ख्वाहिश मेरी तू ही दुआ, तेरे ना बिन अधूरा कैसे रहा, बन जा कहीं से। हेलो दीक्षा यार, तुमने अचानक से मुझे बोला। अरे 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 क्या हो गया दीक्षा यार? पता नहीं चक्कर है यार। यार खड़े हो ना यार, एकदम से एक मिनट पहले खड़े हो जाओ आराम से। एक मिनट। That was a joke, मैं तो मजाक कर रही थी यार। ये क्या है, पागल वागल हो क्या? पागल क्या, मैं कर नहीं सकती तुम्हारे साथ मजाक। तो ऐसा मजाक, मैं तो एकदम से डर ही गया था यार कि अचानक से क्या हो गया तुम्हें। नहीं डरने वाली तो कोई बात नहीं थी। और यार मैं इतना प्यार करता हूँ तुमसे, भी तुम्हें ऐसे कुछ भी हो जाए तो यार मैं देख नहीं पाऊंगा बिल्कुल भी। मुझे क्या होगा, कैसी बातें कर रहे हो? कभी हो भी ना। तो वो वाला सीन कर दिया जो तू मेरा हमदर्द है। हाँ तो हमदर्द तो हूँ ही यार, इसमें क्या दो रहा है क्या कुछ? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा हमदर्द नहीं हूँ? पता, मैं ना यही सोच रही थी इतनी देर से। मैंने पहले ही सोच रखा था कि आज मुझे ऐसा करना है, और मैंने इतनी देर से पता नहीं मेरे माइंड में क्या क्या आ रहा था कि पता नहीं योगी का रिएक्शन क्या होगा, वो क्या करेगा, और पता नहीं वो क्या क्या कहेगा। यार कहूंगा तो कुछ नहीं, बट कभी भी ऐसे मत करना प्लीज। पता है क्यों? क्यों यार, मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है कि अचानक से क्या हो गया बड़ा, और तेरे को कुछ हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा? यार बीच बीच में मैं थोड़ा सा प्यार भी तो देखूंगी ना, कितना करते हो बीच बीच में। क्या तू तो स्टार्ट से एंड तक देख, लेकिन ऐसी हरकतें मत कर, सच बता रहा हूँ। अगर ऐसी हरकतें करोगी ना अब भी तो पता क्या होगा फिर? क्या होगा? कभी मेरे को अटैक ना आ जाए फिर। तुम देखते रहना ऐसे ही। नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा, सच बता रहा हूँ। आपको पता तो है यार मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, मजाक मजाक करती रहती। नहीं मजाक करो तो ये वही था। ऐसे था एकदम से करके एकदम से तुम गिर जा रही हो यार। मुझे तो लगा यार कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा सुनो मेरी बात। चलो ठीक है, तुमने मजाक कर लिया, इट्स ओके। बट आज मैंने ना कुछ सोचा है। क्या सोचा है? आज मैंने सोचा है कि तुम मेरे साथ चलने वाली हो कहाँ? वाटर पार्क। हाँ सच्ची? हाँ। यार पता है मैं तो इतना बीचेस को ना मिस कर रही थी। मैं सोच रही थी यहाँ पे तो ऐसे मतलब होता है ना कि कोई जब रहता है कि अब देखो मैं वहाँ पे बीचेस पे ज्यादातर रहती थी यू नो। यस है ना। अब यहाँ पे आने के बाद पूरे दिन ऐसे मतलब एक ना अलग ही फीलिंग होती है जब हम ऐसे स्विमिंग पूल में होते हैं तो वही तो चल वही देखो मैंने तो मैं पहले ही बता दिया था क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे मन में ऐसे कुछ चल रहा होगा कि यार वहाँ पे मैं ऐसे ऐसे रहती थी बट यहाँ पे आने के बाद तो मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मेरी बेबी मेरे साथ वाटर पार्क में चलेगी और हम दोनों फुल मस्ती करने वाले हैं। बड़े समझदार हो गए मेरे साथ रह रहे के तुम। अब यार इतनी समझदार गर्लफ्रेंड जो मिली है, ये वाला हाथ मुझे दे दो ठीक है, और ये प्यार ऐसा ही बनाए रखना। जल्दी से चलो, तुम्हारे साथ जब मैं होता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेबी पता है तुम्हें एक बात बोलूं मैं? क्या हुआ? जब मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ना मुझे इतनी प्यारी सी फीलिंग आती है, बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है मुझे तुम्हारे साथ। मतलब कैसे वाली प्यारी फीलिंग, यानी सोने वाली? तो इतनी प्यारी फीलिंग जिसे मैं ना डिफाइन नहीं कर सकती। यार बताओ ना फिर। मुझे ना ऐसा लगता है उस टाइम ना जिसे कहते हैं ना कि लाइफ का सबसे प्यारा टाइम जो चल रहा होता है वो लगता है। सच में? इसकी बात पे हक दे दो प्यारा सा। अरे लो ना यार, लाइफ का सबसे प्यारा टाइम ना ये ऐसे ही बना रहेगा, तुम टेंशन मत लो। Baby.